अब जैसे देखो, ये जो हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें यहाँ पर एक कॉपर लिया है, कॉपर को हमने हीट किया है, हीट चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, उसको कॉपर पाउडर को लेके उसको गर्म कर लिया है, तो कॉपर के साथ ऑक्साइड की लेयर बन गई है, तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड, तो ये क्या हो गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग बन गई, ठीक है। और अगर इसी कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे, गर्म करेंगे, तो कॉपर अलग होले हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जो होती है, ऐसी जो रिएक्शन होती है, इसमें कॉपर का ऑक्सीजन के साथ मिलना और फिर ऑक्सीजन का उससे अलग होना, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गई, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, ठीक है, तो कॉपर ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो इसलिए ये रिडक्शन हो रही है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल रही है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसी जो एग्जांपल होती हैं, सम रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्शन कहते हैं इसको, दोनों को, जिसमें दोनों प्रोसेसेस होती हैं, यानी ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, तो ऐसी जो रिएक्शन होती है उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसे है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जिंक जो है वो ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो इसकी रिडक्शन हो रही है, और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को ले रही है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड है, HCl के साथ मिल रहा है, तो मैग्नीज है वो ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, तो इसकी रिडक्शन हो रही है, और HCl में हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को ले रही है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। ये हो गई आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स RED रेड का मतलब है रिडक्शन, यानी कि कम होना, और ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। ओके.